व्यवसाय को लेकर उपजे दो पक्षों के बीच उपजे विवाद के पक्ष पर पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित ने मामले में कस्बा चौकी इंचार्ज सुखवीर सिंह पर सुलह कराने के नाम पर 10,000 रुपए मांगने व न देने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सद्दुपुर मुहाना निवासी जाफर खान व परिवार के ही कुछ सदस्यों के बीच व्यवसाय को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें कुछ दिन पूर्व एक पक्ष द्वारा पीड़ित को समझौता के लिए बुलाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिससे उसके दाहिने हाथ की हथेली में लोहा जड़ित पटरे की लकड़ी टूटकर आर पार हो गया। बहरहाल पुलिस ने मामले में काफी प्रयास के बाद NCR दर्ज किया। पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार की शाम कस्बा चौकी इंचार्ज द्वारा फोन कर चौकी पर बुलाया गया। वहां पहुंचने के बाद मामले को रफा दफा करने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की जाने लगी। असमर्थता जताने पर चौकी इंचार्ज द्वारा छापड़ों से मारा गया और हथेली में लगे चोट को अपने हाथों से दबाकर उंगली को ऐंठ दिया गया, जिससे असहनीय पीड़ा हुई। चौकी इंचार्ज ने कहा कि मामले में समझौता कर लो, नहीं तो अन्य संगीन धाराओं में वांछित कर जेल भेज दूंगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पीड़ित ने यह भी कहा कि CCTV फुटेज की जांच करा दिया तो कस्बा चौकी इंचार्ज के कारनामों का सच सामने आ जाएगा। पीड़ित ने समाधान दिवस में तहरीर देकर मामले की जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस उपाधीक्षक रामानंद राय से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया, यदि आता है तो उसकी जाँच कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। ये थाना समाधान दिवस पे क्या करने आ पाए थे? कल मेरा नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाफर खान, सद्दाम के नाम से मुझे बुलाते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं सद्दूपुर मुहाना चुनार जिला मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 25। मुझे कल रात में कस्बा चौकी इंचार्ज ने बुलाया। बुलाने के बाद क्या नाम है कस्बा चौकी इंचार्ज का? सुखवीर सिंह। और उन्होंने बुला के मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया और हम लोग का कुछ आपसी मैटर का विवाद चल रहा था, जो कि दोनों तरफ से NCR किसके बीच में विवाद चल रहा था? और बुआ के पापा के बीच में विवाद चल रहा था, मोहम्मद रिजवान साइस्ता खान, और जो कि दोनों के NCR भी दर्ज था। उन्होंने पूछताछ के जरिए बुला के मुझे हाथ में जो चोट लगी इसको खूब दबाया। कौन से हाथ में? कौन सा दाहिना है बाया? ये दाहिना हाथ में यहाँ दबाया और पूरा उमेड़ दिया और माँ बहन की गाली देने लगे और कहें कि अगर नहीं तुम अपना ये बयान बदलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा फंसा के मुकदमा कर देंगे। और उसके बाद गाली फक्कर देने के बैठाने लगे, मारने पीटने लगे और 10,000 रुपए की मांग की। हमने सर कहा मैं गरीब आदमी। 10,000 किसने मांगा? सुखवीर सिंह ने, जो SI थे हमारे, उन्होंने मांग की थी और नहीं देने पर कहे तुमको फंसा देंगे और गाली गुप्ता देने लगे और बहुत टॉर्चर किया और हमारा उंगली पकड़ के ऐड दे, जो कि अभी भी दर्द है और मेरा भी मेडिकल दोनों तरफ से था, तभी भी उन्होंने नहीं माना। मेरा मोबाइल पूरा चेक किया निकाल के और माँ बहन की गाली देने लगे और कह रहे तुम क्या बिजनेस करते हैं? मैंने बताया मेरा व्यापार है, पटरावली में किराया देता हूँ, तो कह रहे तुम साले तुम दूसरा काम करते हो, उल्टा सीधा फिर बोलने लगे। फिर कह के हम फिर वहाँ से बैठाए थे इन लोग और जो कि फिर हम वहीं पर बैठे रहते हैं रात। और आज समाधान दिवस में कोतवाल साहब ने क्या आश्वासन दिया? कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि चलिए आपकी जो ये एप्लीकेशन है मैं इस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। कृपा करूँगा।